नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर सिक्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सिक्स. देखें, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2016. ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन कर दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2 में डिवाइड करना है. ओके, एंड 1 अप्रैल 2016 को उनकी जो कैपिटल थी एक्स और वाई की, वो क्या है, 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली. मतलब 3 लाख तो एक्स की हो गई और 2 लाख वाई की हो गई. क्लियर. एंड आधा सॉरी द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट पर रेट 10% पर एनम. जो कैपिटल पर इन पर इंटरेस्ट देना है वो किस रेट से देना है, 10% से. और सैलरी गिवन करनी है वाई को. ठीक है, इसमें करेक्शन कर लीजिए आप बुक में, या फिर याद रखना जब बुक आए आपके पास. तो ये 2500 नहीं है, 10 यहाँ से हटा दीजिए, 1250. ठीक है, 1250 पर मंथ, इतने रुपीस सैलरी मिलती है किसको, वाई को. हम ये देंगे द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट टू 40,000. जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो 40,000 है और बिफोर है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को देने से पहले की ही प्रॉफिट है, हमें वही प्रॉफिट चाहिए, बिफोर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट चाहिए. और वो हमारा, इट मीन्स इस प्रॉफिट में से ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ है अभी और ना सैलरी लेस हुई है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, 40,000 आपको ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 सेवनटीन, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हम प्रिपेयर करेंगे. सो हेयर प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट मेंशन करते हैं. तो लिख दिया हमने बाय प्रॉफिट. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो ये प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग आया है, एज पर P&L अकाउंट. कितना प्रॉफिट है, 40,000. ठीक है, अब हम देंगे सबसे पहले सैलरी. किसकी सैलरी है, टू बाय, तो बाय सैलरी लिख दो या फिर सैलरी टू बाय, कैसे भी लिख सकते हैं. अब सैलरी कितनी मिल रही है, 1250 पर मंथ है, तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे कितने, 15,000. ओके, अब हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को ही दी जाएगी उनके कैपिटल पर, तो देखें आप एक बार कि दोनों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बन रहा है. एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी है, एक्स की कैपिटल 3 लाख, और 3 लाख का 10% कितना बनता है, 30,000. एंड वाई की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख, और 2 लाख का 10% कितना बनता है, 20,000. तो टोटल देखो कितना कैपिटल देना है उनको, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर 50,000 का टोटल इंटरेस्ट देना है. ओके, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस बताए हैं कि क्वेश्चन में ये पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट क्वेश्चन में इस बारे में साइलेंट है कि इसको अप्रोप्रिएशन मानना है या चार्ज, ये नहीं बोला. तो उस सिचुएशन में मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई थी आपको. ठीक है, यदि इनफ प्रॉफिट होता तो हम पूरा पूरा दे देते उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 30 दे देते और बाय को 20 देते. अगर बिजनेस में लॉस होता तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं देते, बट हमारे पास प्रॉफिट है. बट प्रॉफिट अब हमारा कितना बचा, 40,000 टोटल प्रॉफिट है, और इस 40,000 में से हमने 15,000 तो हमने वाई को सैलरी गिवन कर दी, 15,000 तो हमने वाई को क्या कर दी, सैलरी गिवन कर दी. तो अब कितना बैलेंस बचा इस प्रॉफिट में से, ओनली 25,000. तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला करके 25,000 ही दे सकते हैं, 25,000 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते. बट दोनों का बन कितनी रही है, 50,000.
तो मैंने आपको इस सिचुएशन में बताया कि इन दिस सिचुएशन हम क्या निकालेंगे, उनकी रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स का इंटरेस्ट और बाय का इंटरेस्ट, एक्स का इंटरेस्ट कितना 30,000 और बाय का इंटरेस्ट कितना 20,000, क्या रेशियो बना 3:2। और इस 25,000 का जो बचा है प्रॉफिट, इस रेशियो, इस प्रॉफिट को हम क्या कर दें, इनको डिवाइड कर दें इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। सॉरी, 3 + 2 करोगे तो क्या आएगा 5। तो 25,000 × 2/5 इनको सॉल्व कर लें तो 15,000 तो किसको मिल जाएंगे, एक्स को, और 10,000 मिल जाएंगे बाई को। सो दैट 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा, सो इसलिए हम आगे कोई भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ओके, ये सिचुएशन थी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजंस में, कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट तो डिसाइड किया था, बट इस बारे में कोई भी डिसाइड नहीं किया कि इसे हमें चार्ज मानना है या फिर अप्रोप्रिएशन। तो इस सिचुएशन में हमारे पास तीन सिचुएशंस होती हैं, जिसमें से एक सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट है फर्म में बट वो प्रॉफिट इनफ नहीं है। ठीक है, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ जितना प्रॉफिट है उसको हम किसे दें, एक्स को दें या बाई को दें, एक्स को दे दें या पूरा पूरा, या बाई का दे दें पूरा, तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते। सो इस सिचुएशन में हमें जितने भी पार्टनर हैं उनका जितना जितना इंटरेस्ट बनता है, उन इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेट करोगे, रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा, और देन इस रेशियो में ही आप जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।